से इसमें कोई शक सवाल नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हम रहेंगे और गठबंधन की जो बात है फिर आपके तरफ से सवाल आएंगे। अभी हम पूरे अभी बैठक का कार्यक्रम जारी रहेगा, अपने घटक दलों के साथ भी हम बैठक करेंगे। महागठबंधन में रहने से फायदा हुआ या झारखंड मुक्ति मोर्चा नुकसान में? अगर सीटों की गिनती को लेकर कहेंगे तो हमको सीटों की गिनती को लेकर के हमें नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वोट को लेकर के नुकसान नहीं हुआ है। तो आगे कंटिन्यू करिएगा महागठबंधन को। अब इस विषय पर सभी महागठबंधन के साथ बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे और जो बेहतर विकल्प निकलेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने उतनी ईमानदारी नहीं दिखाई जितनी हेमंत सोरेन ने दिखाई। अब इसका आकलन आप लोग बेहतर कर रहे हैं, हम अपना भूमिका बिल्कुल ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं और कांग्रेस ने कहाँ भूल की या हमारे गठबंधन साथियों ने कहाँ भूल की वो तो बैठने के उपरांत ही बात कर चर्चा पे बातें आएंगी। किसी के कहने से उसको मानना थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा। नहीं, आप ये मानते हैं कि बाकी दलों ने आपसे आपके साथ इतना सहयोग किया या नहीं, आपको क्या अंदाजा लगा? मुख्य सहयोगी के रूप में तो हम ही रहे हैं। हाँ। हम ही ने तो सहयोग किया है और एक हाथ से बजे और सहयोग जो दे सकता है वही देगा और शायद इसमें हम ही को ज्यादा देना था तो हमने ज्यादा देने का प्रयास किया। भावार्थ में बात कर रहे हैं हेमंत जी। बिल्कुल, बाकी चीजें हम लोग सभी सहयोगी के साथ बैठ करके साथ मैदानी जंग में जाएंगे। मुख्य कारक रहे हैं।